प्रिय कलीसिया, आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर महान है और हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं और हमारा परमेश्वर आराधना स्तुति के योग्य है, ये हम जानते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि इसलिए की ताकि मनुष्य अपने अपने सृष्टिकर्ता को जाने, अपने परमेश्वर को जाने और उसके साथ संगति करे और उसकी आराधना के आनंद में अपना जीवन बिताए। हमारा परमेश्वर महान है और आज हम फिर से हम सब इकट्ठे हैं। आत्मिक रूप से हम एक साथ हैं, हम अलग अलग अपने अपने घरों में भले हैं, लेकिन हम अपने आत्मा में हम इकट्ठे हो चुके हैं और एक परमेश्वर की हम संतान हैं। हमारा एक स्वर्गीय बाप है और हम उसकी संतान हैं, उसकी आत्मा में हम चलते हैं और उसने हमें ले पालक पुत्र और पुत्रियाँ बनाया है। और ये हमारे लिए उचित है कि कलीसिया हफ्ते में एक दिन कम से कम आत्मिक रूप से एक होकर परमेश्वर की आराधना करें। और हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा गडरिया है, वो हमारे आगे आगे चलता है। और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और वो मेरी आवाज़ पहचानती हैं और मेरे पीछे चलती हैं। आइए इस गीत के द्वारा हम उसकी आराधना करें, उसे अपना चरवाहा घोषित करें और आनंद के साथ हम इस गीत को गाएं, यीशु है सच्चा गडरिया। सच्चा गडरिया उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तुम नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का डर अब नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। प्रभु तू हमारा सच्चा चरवाहा है,
प्रभु तू हमारे हमारा मार्गदर्शन करने वाला, प्रभु हमें जीवन के पथ पर चलाने वाला हमारा परमेश्वर है। तू हमारा मसीहा है, तू हमारा रक्षक है, तू हमारा पालनहारा, तू हमारा बचाने वाला, तू हमारा मसीहा है। हम तेरी स्तुति और आराधना और तारीफ और प्रशंसा करते हैं, तेरे सामने अपने सरों को झुकाते हैं, प्रभु तेरी महिमा में अपने हाथों को उठाकर हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं, क्योंकि प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं और तू सच्चा है। परमेश्वर तू जगत की ज्योति है प्रभु यीशु मसीह, और तू प्रभु जी तू हमारा उद्धार करता है, और प्रभु तूने हमें प्रभु जी शैतान के हाथों से छुड़ाकर तूने अपने राज्य में हमको तू ले गया। परमेश्वर तेरे छुटकारे के लिए तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु, और तेरी आराधना करते हैं प्रभु। तूने हमें सच्चे आनंद से भरा है, हाँ प्रभु तूने हमें मृत्यु से उठा लिया प्रभु, और तूने हमें जीवन दे दिया प्रभु। इसलिए खुदावंद हम आनंद के गीत गाते हैं, क्योंकि तूने हमें आनंद दिया है प्रभु। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरे आनंद में झूमते और गाते और नाचते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा पिता है, तू हमारा रक्षक है प्रभु, तू हमारा सदा सदा हमारे साथ बना रहने वाला हमारा जीवन साथी परमेश्वर है प्रभु। तेरी आराधना स्तुति और तेरी तारीफ हो, आमीन आमीन। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, हालेलुया। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा किया, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, पाप मेरा क्षमा किया, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, अनंत जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आहा हा, नया जीवन यीशु में, अनंत जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हमारा प्रभु सचमुच उसने हमें चुन लिया है, और वो हमारे साथ है, वो हमारे जीवन में आनंद देता है। हम अपने दुखों के अंदर भी एक बात का हम आनंद मना सकते हैं कि हम अनाथ नहीं है, और हमारा मसीहा, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमारे साथ है। और इसलिए प्रभु का नाम आराधना के योग्य है, ना केवल भारत देश में लेकिन पूरी दुनिया में उसका नाम इस योग्य है कि उसके नाम की तारीफ और बड़ाई की जाए। इनफैक्ट यीशु मसीह जाति जाति का परमेश्वर है, हर जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। इसलिए आपकी और मेरी प्रार्थना, इवन जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, हमें उस दर्शन में आना है जिस दर्शन में लिखा है कि जाति जाति के लोग उसके सामने अपने हाथों को उठाकर होसाना चिल्लाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया की हर कौम का परमेश्वर है, हर जाति का परमेश्वर है, वो सचमुच आराधना के योग्य है। आइए हम गिल के इस गीत को गाएं, यीशु का नाम ऊंचा रहेगा। यीशु का नाम ऊंचा रहेगा, यीशु का नाम राज करेगा, यीशु का नाम ऊंचा रहेगा, यीशु का राज करेगा। यीशु की जय जय गाते रहो, यीशु की जय जय गाते रहो, यीशु ही राज करेगा, यीशु ही राज करेगा, यीशु ही राज करेगा, यीशु ही राज करेगा। यीशु का नाम ऊंचा रहेगा, यीशु का नाम राज करेगा, यीशु का नाम ऊंचा रहेगा, यीशु का नाम राज करेगा। जाति जाति के लोग ये कहेंगे यीशु का नाम सच्चा है नाम। गाइए हमारे साथ। जाति जाति के लोग ये कहेंगे यीशु का नाम सच्चा है नाम, यीशु का नाम
ऊंचा रहेगा यीशु का नाम राज करेगा यीशु का नाम ऊंचा रहेगा यीशु का नाम राज करेगा जाति जाति के लोग ये कहेंगे क्रूस का बलिदान सच्चा बलिदान जाति जाति के लोग ये कहेंगे क्रूस का बलिदान सच्चा बलिदान यीशु का नाम ऊंचा रहेगा यीशु का नाम राज करेगा यीशु का नाम ऊंचा रहेगा यीशु का नाम राज करेगा जाति जाति के लोग ये कहेंगे यीशु मसीहा जिंदा खुदा जाति जाति के लोग ये कहेंगे यीशु मसीहा जिंदा खुदा यीशु का नाम ऊंचा रहेगा यीशु का नाम राज करेगा यीशु का नाम ऊंचा रहेगा यीशु का नाम राज करेगा जाति जाति के लोग ये कहेंगे इज़राइल का रक्षक हमारा खुदा जाति जाति के लोग ये कहेंगे इज़राइल का रक्षक हमारा खुदा यीशु का नाम ऊंचा रहेगा यीशु का नाम राज करेगा यीशु का नाम ऊंचा रहेगा आइए कुछ अपनी आंखों को बंद करके हम प्रभु की आराधना करें और श्वेता बहन इस आराधना में हमारी अगुवाई करेगी अपने दिल खोलकर अपने मुंह के शब्दों से अपने दिल की गहराई से हम उसकी तारीफ करें धन्यवाद 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 हो राजा पिता परमेश्वर ओ तारीफ के योग्य परमेश्वर ओ स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर ओ राजाओं के राजा ओ स्वर्गीय पिता परमेश्वर ओ मेरे जीवित अनुग्रहकारी पिता सर्वज्ञानी सर्वव्यापी पिता परमेश्वर सारी आदर महिमा के योग्य परमेश्वर परमेश्वर प्रभु जी आपसे ऊंचा कोई नहीं प्रभु आपसे बढ़कर कोई नहीं प्रभु जी परमेश्वर इस संसार में आपसे बढ़कर कुछ नहीं कोई नहीं परमेश्वर आप जीवित हैं पिता आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं यहोवा राजा आप हमारी विनतियों की ओर कान लगाते हैं परमेश्वर आप दीन दरिद्रों की दुआओं को सुनते हैं मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर हम जानते हैं कि जब हम इस वक्त आपके सामने एक मन होकर इकट्ठा हुए हैं मेरे अनुग्रहकारी राजा तो आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं परमेश्वर आपके स्वर का झरोखा खुल गया है मेरे पिता प्रभु जी इस आराधना प्रार्थना को परमेश्वर हम आपको चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर स्वर के झरोखे को खोल के पिता परमेश्वर हमारी इस प्रार्थना को आप और आराधना को यीशु मसीह ग्रहण करिए मेरे प्रभु जी परमेश्वर इस वक्त हम लोग एक साथ एक छत के नीचे नहीं है अनुग्रहकारी राजा लेकिन पिता हम एक मन हो के आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर ओ मेरे अनुग्रहकारी राजा परमेश्वर आपकी महिमा हो प्रभु जी आपकी स्तुति हो परमेश्वर अनुग्रहकारी राजा आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर हम अपने दिलों को खोलते हैं अपने मनों को खोल कर आपके पास आते हैं पिता प्रभु जी अपनी सारी आराधना प्रार्थना को आपके पास लेकर आते हैं अनुग्रहकारी राजा यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आराधना में पावर है आराधना में यू नो क्योंकि आराधना बड़ी शुद्ध होती है और यदि हम शुद्ध हृदय से आराधना करते हैं तो उस आराधना में शक्ति होती है उस आराधना में हमें छुटकारा मिलता है उस आराधना में हमारे बंधन खुल जाते हैं उस आराधना में हम प्रभु की ओर करीब आ जाते हैं और उस आराधना में परमेश्वर के नाम की सचमुच जिस प्रकार स्वर्ग में शुद्ध महिमा होती है वैसे हम भी करने के योग्य हो जाते हैं इसलिए अपने पापों को क्षमा मांग कर जब हम प्रभु के सामने आते हैं तो हम सही मायने में परमेश्वर के दर्शन करने के योग्य हो जाते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए लहू बहा दिया और उसका लहू हमारी शुद्धता है उसके लहू ने हमें शुद्ध कर दिया है इस समय आप अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से आप एक पल अपने पापों के लिए माफ़ी मांग सकते हैं और सच्चे हृदय से आराधना करने के योग्य बनने के लिए पवित्र आत्मा की मदद को मांग सकते हैं जिस पाप जो भी पाप आपने किया है परमेश्वर से उसकी माफी मांगिए ओ गॉड हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो प्रभु हमारी आराधना सच्ची हो
हमारी आराधना शुद्ध हो और हमारी आराधना तुझे कबूल हो। और जब तेरे लोग तेरी आराधना करते हैं अपने गीतों से, शब्दों से, अपने आंसुओं से, अपने शरीरों से, अपनी जिंदगियों से, तो तेरा नाम सचमुच महिमा पाए और तेरे लोग आशीष पाए। आइए इस अंतिम गीत को गाएंगे, आराधना में है छुटकारा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, आ छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, प्रभु तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी बंदगी हो। प्रभु धन्यवाद की भेंट और तारीफों की भेंट आपको चढ़ाते हैं। और पिता परमेश्वर, आपकी यही प्रभु हम आशीष चाहते हैं कि प्रभु आप अपने सब लोगों को आशीष दें और उनके दिलों को और आशीषित करें, ताकि और हम आपके करीब आ जाएं, आपको और गहराई से जानने लगें, और सही मायने में हमारा पूरी जिंदगी प्रभु हम समर्पण करके और प्रभु सच्चे दिल से हम आपकी आराधना करें।
और आपके नाम के लिए जीने वाले बन सके। प्रभु हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। प्रभु आने वाले समय में भी प्रभु आप अपने लोगों से बातचीत करें और इस पूरी सभा में आपकी अगुवाई और आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु नाम सत्संग के सब लोगों को जय मसीह की। आज परमेश्वर का वचन लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ और हम मरकुस रचित सुसमाचार में से हम अध्ययन कर रहे हैं और आज हमारा तीसरा भाग है जिसको हम देखेंगे, जो कि हमने मरकुस 4 में से लिया है। तो आप सब अपनी बाइबल को खोल लीजिए मरकुस 4 में और हम सब इसको मिलके एक साथ पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय वचन 1-9 तक। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और उसके पास इतना विशाल जन समूह एकत्रित हो गया कि वह झील में नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारा जन समूह झील के किनारे भूमि पर खड़ा रहा। वह दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा और वह अपने उपदेश में उनसे कह रहा था, सुनो, देखो एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। जब वो बो रहा था तो कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और चिड़ियों ने आकर उन्हें चुग लिया और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे शीघ्र उगाए और जब सूर्य उदय हुआ तो झुलस गए और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गए। कुछ बीज कटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा दिया और उनमें फसल ना लगी, परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और जब वे उग कर बड़े बड़े तो फलवंत होकर कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाए। और वह कह रहा था, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। हमारे ईश्वर के पिता, प्रभु इन दिनों में जब पूरे संसार में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डर है और बहुत ज़्यादा प्रभु लोग भटके हुए हैं और बहुत ज़्यादा प्रभु जी चिंता है और बीमारी है और मृत्यु है, हम जानते हैं प्रभु जी कि ऐसे में केवल आपका वचन आपके लोगों को दिशा दिखा सकता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन प्रभु लोगों को सही मार्गदर्शन दे और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, प्रभु के आज के दिन आपके वचन से जो बातें हम देखने जा रहे हैं प्रभु, उन बातों के ज़रिए से आप अपने लोगों से अवश्य बात करें और लोगों के जीवन में परिवर्तन आए और लोग प्रभु आपके करीब आ जाएं और आपको प्राथमिकता दें और उनकी ज़िंदगी बदले। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। किसी भी क्लास में, किसी भी कक्षा में आम तौर पर 4 प्रकार के बच्चे हैं, 4 प्रकार के स्टूडेंट्स विद्यार्थी होते हैं। पहले प्रकार के बच्चे होते हैं जो हैं नेवर इंटरेस्टेड, उनको पढ़ाई में कभी कोई रुचि थी नहीं और है नहीं, उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। वो स्कूल से वो छुट्टियां मारना चाहते हैं, वो अपना होमवर्क नहीं करते, वो सीखते नहीं हैं और आमतौर जनरली वो ज़िंदगी में कुछ बनते भी नहीं हैं। दूसरे प्रकार के बच्चे हैं जो पढ़ाई को छोड़कर जिनका हर एक चीज़ में मन लगता है, पढ़ाई छोड़कर बाकी हर चीज़ में उनका मन लगेगा। वो स्कूल जाते तो हैं लेकिन गलत कारणों से स्कूल जाते हैं, गलत उद्देश्यों के साथ, गलत मंशा के साथ वो स्कूल जाते हैं केवल मौज मस्ती करने के लिए। तीसरे प्रकार के बच्चे ऐसे हैं जो बहुत जिनकी पढ़ाई में रुचि तो है, उनका पढ़ाई में मन तो पढ़ाई में उनका उनकी रुचि तो है, वो इंटरेस्टेड हैं लेकिन वो अपना ध्यान ज़्यादा देर तक लगा नहीं सकते पढ़ाई के ऊपर और बहुत जल्दी भटक जाते हैं। इधर उधर देखेंगे, दूसरों के साथ बात करेंगे, वो खिड़की के बाहर क्या कौन खेल रहा है उसको देखना चाहेंगे, तो वो इंटरेस्टेड तो हैं, उनको वो सीखना चाहते हैं लेकिन वो ज़्यादा देर तक वो फोकस नहीं कर सकते और बहुत जल्दी भटक जाते हैं। चौथे प्रकार के बच्चे होते हैं जो सचमुच पढ़ाई में इंटरेस्टेड भी हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं और उसके लिए समर्पित भी हैं, उसके लिए गंभीर भी हैं। और ऐसे बच्चे हैं जो समय पर स्कूल जाते हैं, छुट्टी नहीं मारेंगे, होमवर्क अपना समय से करेंगे, एग्जाम्स के अंदर चीटिंग नहीं करेंगे और सचमुच जिंदगी में कुछ बन जाते हैं। एक ही कक्षा है, एक ही क्लास में 4 प्रकार के बच्चे जो हैं वो पाए जाते हैं। अब उस क्लास के अंदर जो टीचर है, उस टीचर ने सब बच्चों को बराबर का अवसर दिया सीखने के लिए, अपॉर्चुनिटी, चांस, वो शिक्षा वो टीचर ने सारे बच्चों को दी,
लेकिन तीन प्रकार के झुंड ऐसे थे जिन्होंने उस टीचर की शिक्षा का फायदा नहीं उठाया। एक ही झुंड है उस क्लास में, एक झुंड है जिन बच्चों ने उस टीचर के द्वारा सिखाई हुई बातों का फायदा उठाया। ये एक दृष्टांत मैंने आपको समझाया। इस दृष्टांत को समझने के लिए जो हमने आज पढ़ा कि एक ही झुंड में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, और कलीसिया के अंदर भी ऐसा होता है, परमेश्वर के राज्य के अंदर भी ऐसा होता है। इस धरती पर जो प्रभु के राज्य से जुड़े हुए जो लोग हैं या कलीसिया में जो लोग हैं उसके अंदर चार प्रकार के लोग पाए जाते हैं, और आज के दृष्टांत में हम इस तरह के चार प्रकार के लोगों को हम देखते हैं, या हम कह सकते हैं चार प्रकार का दिल, मनुष्य का दिल, चार प्रकार का दिल, उसके बारे में आज के वचन में हम देखते हैं। आज के जो दृष्टांत जो हमने, बीज बोने वाले का दृष्टांत जो हमने देखा, उसके अंदर जो माली है, जो किसान है, वो परमेश्वर है, और जो बीज वो बोता है वो परमेश्वर का वचन है, और जो अलग अलग प्रकार की भूमि है, जो सड़क के किनारे और पथरीली भूमि पर और कांटों के बीच में, कंटीली झाड़ियों के बीच में जो बीज गिरा, और जो अच्छी भूमि पर बीज गिरा, ये जो अलग अलग प्रकार की भूमि है, ये हमारे अलग अलग प्रकार के दिल को दर्शाती है, अलग अलग प्रकार के हमारे दिल को दर्शा, हमारे ह्यूमन हार्ट को, मनुष्य के दिल को ये दर्शाती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सड़क के किनारे जो बीज गिर गया, हम जानते हैं कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि पक्षी आए और उन्होंने उस बीज को उठा लिया। अब ये वो लोग होते हैं जिनको हमने नाम दिया है अपनी मौज मस्ती में खोए हुए लोग, जिनको हम इंग्लिश में मैंने ड्रीमर्स कहा है, अपनी धुन में मस्त या खोए हुए लोग। ये ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में आए, वचन सुना, और वचन उनके बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, और वो लोग वापस चर्च में लौट कर नहीं आए। पर ये लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो चर्च तो लगातार आते हैं, कभी कभी, ध्यान से सुनिए, सारी उम्र चर्च में आएंगे, सारी उम्र वचन को सुनेंगे, लेकिन उस वचन ने उनको बदला नहीं है, उस वचन ने उनकी सोच को नहीं बदला, उस वचन ने उनकी जीवन शैली को नहीं बदला, उस वचन ने उनके विश्वास को नहीं बदला, उस वचन ने उनके जीवन और संसार और परमेश्वर के प्रति जो दृष्टिकोण है उसको नहीं बदला। ये लोग ऐसे लोग हैं जो सड़क के किनारे बीज बोया गया, ये ऐसे लोगों को दर्शाते हैं जो कभी परमेश्वर को लेकर गंभीर थे ही नहीं, जो कभी परमेश्वर के वचन को लेकर जो सीरियस नहीं थे। ये ऐसे लोग हैं जो चर्च में आते हैं क्योंकि शायद इनके पत्नी या पति या इनके इनके माता पिता ने इनको जबरदस्ती बोला चर्च आने के लिए, तो इनको आना पड़ता है, या इनके लिए केवल एक रूटीन है, केवल एक जीवन शैली बन गया है कि आना है संडे को चर्च तो चलते हैं, केवल उसी लिए चर्च आते हैं। पर ये ऐसे लोग हैं, ये जो अपनी धुन में मस्त या अपनी मौज में मस्त और खोए हुए लोग, ये ऐसे लोग हैं जो चर्च में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए नहीं आते। दे डोंट कम टू चर्च फॉर प्राइमरली लिसनिंग टू गॉड्स वर्ड। ये परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कलीसिया में नहीं आते हैं। ये लोग दिखने में क्रिश्चियन लगते हैं, दिखने में ये लोग प्रभु के शिष्य और चेले लगते हैं, बाहर से ऐसा लगता है, पर असल में प्रभु के शिष्य नहीं है। अब देखिए, आपको ध्यान होगा, जो हमने बीज बोने वाले का दृष्टांत जो हमने पढ़ा, हमने उसमें ये पढ़ा कि माली ने जो बीज बोया सड़क के किनारे गिरा और पंछी उठाकर ले गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वचन प्रचारक ने परमेश्वर का वचन सुनाया, लेकिन शैतान आया और हमारे दिलों के ऊपर से वो वचन उठा करके ले गया, चोरी करके ले गया। ये पहले प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जिनको इस बात का आभास तक नहीं होता कि हम एक आत्मिक युद्ध में जीते हैं, कि एक शैतान है जो हमें, हमारे कानों को परमेश्वर के वचन अंदर ना जाए उसके लिए हमारे कानों को बंद करना चाहता है। शैतान हमारे अंदर से जो वचन है उसको चुराना चाहता है। शैतान चोर है। वो किस चीज की चोरी करता है? वो वचन की चोरी करता है जो हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, कि वो वचन कहीं हमारे अंदर जाकर हमें परिवर्तित ना कर दे। तो पहले प्रकार के या पहले किस्म के लोग हैं जो हैं अपनी धुन या अपनी मौज में मस्त लोग। ये ऐसे लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे प्रकार के लोग हैं, हमने पढ़ा कि ऐसा बीज जो पथरीली भूमि पर गिरा,
पथरीली पथरीली भूमि पर जो बीज गिरा वो बहुत जल्दी से उग गया, क्योंकि उसकी जो मिट्टी अंदर बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो फटाफट वो बीज उग गया। लेकिन जब सूरज की किरण पड़ी तो सूरज की किरणों की गर्मी से वो जो, क्योंकि उसके जो जड़ मजबूत नहीं थी, इसलिए वो पौधा बहुत जल्दी सूख गया और मर गया। ये ऐसे प्रकार के लोगों को दिखाता है जिसको मैंने कहा है एक्साइटर्स ग्रुप, या गलत समझ, गलत उद्देश्यों और गलत अपेक्षाओं से उत्तेजित लोग। ऐसे लोग जिन्होंने जिन्होंने बहुत जल्दी से विश्वास कर लिया, जिन्होंने कलीसिया में आए, उन्होंने सुसमाचार सुना, उन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया, बहुत जल्दी उन लोगों ने विश्वास में आ गए, कलीसिया के मेंबर बन गए। लेकिन जब मसीही बनने के बाद, प्रभु में आने के बाद, जब जीवन की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जब उनको पता चला कि अरे प्रभु में आने के बाद भी हमारे जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, प्रभु में आने के बाद भी हमारे जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, जब इनको उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो ये लोग टिक नहीं सके। और दूसरा, जब इन लोगों पर सताव आया, हम जब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे तो लोग हमारे विश्वास की सराहना नहीं करेंगे, हमारे विश्वास की तारीफ नहीं करेंगे, हमारे विश्वास को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब ये ऐसे लोग हैं, दूसरे प्रकार के लोग ये ऐसे लोग हैं, जब इनको प्रभु के कारण सताव सहना पड़ा, जब पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने, जब दोस्तों ने, जब मित्रों ने, जब मकान मालिक ने, जब सताना शुरू किया क्योंकि हमने प्रभु यीशु का नाम अब ले लिया है, तो ये ऐसे लोग हैं कि सताव के कारण टिक नहीं पाए और चले गए। ये वो लोग हैं जो गलत उद्देश्यों के साथ कलीसिया में आए थे, जिनको ये लगा कि अगर हम कलीसिया में आएंगे, अगर हम चर्च में आएंगे, अगर हम बपतिस्मा लेंगे तो शायद हमारी जिंदगी से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, और ये समझ लिया कि यीशु मसीह का काम केवल यही है कि हमें खुशियों से भरा हुआ जीवन देना, जिसमें सब सुख सुविधाएं हों और हमारे पास जो हमें चाहिए हमको मिल जाए। जिन्होंने सोचा कि ये है मसीही जीवन, गलत समझ के साथ कलीसिया में आए और जब मुसीबतें आई तो प्रभु को छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको लगा कि प्रभु में आने के बाद तो हमें मुसीबतों का सामना करना ही पड़ रहा है, तो फिर क्यों हमें चर्च में आने की आवश्यकता है, क्यों हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, जीवन की कठिनाइयां सबके लिए हैं, जीवन की मुश्किलें विश्वासियों के लिए भी हैं, प्रभु के लोगों की जिंदगी में भी कठिनाइयां आएंगी। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हमारा यहोवा परमेश्वर और हमारा प्रेम करने वाला, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह उन कठिनाइयों और परेशानियों में हमारे साथ बना हुआ है, और उन कठिनाइयों के द्वारा वो हमारे विश्वास, परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है, हमारे विश्वास को मजबूत करता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हम और हमारे चरित्र को मजबूत कर देता है। इस बात से हमारी जिंदगी में परेशानियां, अगर हम हमारे जीवन की परेशानियों में अगर प्रभु के साथ बने रहेंगे तो हम एक मजबूत विश्वासी बन जाएंगे। लेकिन जो ये जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, ये इन मुसीबतों का और संकटों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि इनको लगा कि प्रभु में आने के बाद मुझे कभी कोई संकट नहीं आएगा। और ये वो लोग हैं कि क्योंकि ये अपने दिल में प्रभु को पहचान नहीं, ये अपने दिल में प्रभु को पहचान ही नहीं पाए, अपने दिल में ये लोग प्रभु को लेकर के इनके अंदर शांति नहीं है, ये लोग अंदर से सेटल्ड नहीं है, इसलिए जब इनके ऊपर सताव आता है तो ये अपने आप को बचाने के लिए ये प्रभु को छोड़ देते हैं और पुराने जीवन में वापस लौट जाते हैं। भाइयों बहनों, मसीही जीवन की दो सच्चाइयां ये हैं जो आज हम वचन से सीखते हैं। दो सच्चाइयां मसीही जीवन की हैं, पहला, जीवन कठिन होगा, और दूसरा, हमें सताया जाएगा। जो तीसरे प्रकार का बीज, जिसके बारे में हमने आज दृष्टांत में पढ़ा, वो बीज वो था जो कंटीली झाड़ियों के बीच में गिरा, वहां पर भी पौधा उग गया, लेकिन बीच में क्या है, बीच में कांटे भी लगे हुए हैं, और वो कांटे क्या है, वो किस चीज को दर्शाते हैं। ये तीसरे प्रकार के लोग हैं जो अपनी जरूरतों की चिंता करने वाले और पैसों का लोभ लालच करके अमीर बनने की इच्छा रखने वाले लोग। कलीसिया के अंदर चार प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग ये ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी मौज में मस्त हैं, वो कलीसिया आए नहीं आए एक ही बात है, अगर वो आते भी हैं तो भी उनका जीवन नहीं बदलता, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी अपनी मौज में मस्त हैं, वो सुधरने वाले नहीं हैं, वो सुधरना नहीं चाहते हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है।
दूसरे प्रकार के लोग हैं जो गलत समझ, गलत अपेक्षाओं और गलत उद्देश्यों के साथ जो कलीसिया में आए, जिन्होंने ये सोचा प्रभु में आने के बाद मुझे कभी कोई संकट परेशानी नहीं होगी, ये वो लोग हैं। तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जो प्रभु में तो हैं, जो कलीसिया में आते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन जो अपने रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, सदा चिंतित रहते हैं। हम इसके बारे में वचन के अंदर भी हम पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूं इसके बारे में क्या कहा है प्रभु यीशु मसीह ने। ये हम देखते हैं 4:18 में, और कुछ वे हैं जो कंटीली झाड़ियों में बीज बोई गई भूमि के समान है, जो वचन को सुनते तो हैं पर संसार की चिंताएं और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल हो जाता है। ये वो लोग हैं जो अपनी रोज रोज की जरूरतों को लेकर के बहुत चिंता करते हैं और अपनी चिंताओं के अंदर ही पढ़कर अपने जीवन में वचन को फलने का मौका नहीं देते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन की जो चिंताएं, हमारी जीवन की जो जरूरतें हैं, उनके बारे में हमारा परमेश्वर हमारे उन जरूरतों को महसूस करने से पहले से जानता है कि वो हमारी जरूरतें क्या हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस बात की चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहाँ रहोगे और क्या पहनोगे, क्योंकि तुम्हारा पिता परमेश्वर जो आकाश के पंछियों को खिला सकता है वो तुम्हें भी खिला सकता है, वो जो सुंदर सुंदर खेतों में जो सुंदर सुंदर फूलों को सुंदर दिखा सकता है, सुंदर कपड़े पहना सकता है, वो तुम्हारे तन को ढकने के लिए भी जरूर वो तुम्हें कपड़े देगा। लेकिन ये कुछ मसीही जो अपने जीवन की मूलभूत चीजों की बहुत चिंता करते हैं, इस समय में जब कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है और लोगों के अंदर अपनी नौकरी को खो देने का डर है, वो हम में से बहुत लोग होंगे जो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को किस प्रकार खिलाऊंगा पिलाऊंगा, मैं कैसे अपने घर का राशन लेके आऊंगा, मैं कैसे अपने घर का किराया भरूंगा, मैं कैसे अपने बच्चों के लिए ये करूंगा वो करूंगा। और ये हकीकत है कि बहुत से विश्वासियों के सामने भी, हमारे सामने भी ये समय हमें देखना पड़ सकता है, लेकिन वहां पर हमारे परमेश्वर का बहुबल देखने के लिए क्या हमारे अंदर विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है? क्या परमेश्वर को जिस दिन इस संसार में कोरोना वायरस सबसे पहले पहुंचा, उसके पहले हमारे परमेश्वर को मालूम था किस दिन कितने बजे कहां पर यह वायरस आएगा, किसको कितने बजे हो जाएगा? परमेश्वर को जानता है, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है। मैं आपको एक बहुत खूबसूरत कहानी बताना चाहता हूं, और यह कहानी व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, एक हमारे शहर में गुड़गांव के अंदर ही एक पास्टर हैं जिनकी ये कहानी है। जब वो मिलिट्री में, जब वो आर्मी में नौकरी करते थे, तो उनको प्रभु ने कहा नौकरी छोड़कर मेरी सेवा करो। इस व्यक्ति ने अपनी नौकरी, आज से 50-60 साल पहले की बात है, उन्होंने अपनी आर्मी की नौकरी छोड़ी और एक पादरी और एक मिशनरी बन गए। और जम्मू की तरफ इनका घर था, जम्मू कश्मीर में इनका घर था, और वहां पर ये दक्षिण भारत के हैं, उत्तर भारत में जम्मू में कमरा लेकर रहने लगे। कमरे के अंदर कुछ भी नहीं था, नीचे जमीन पे सोते थे, दो बच्चे थे। उनका छोटा बेटा उनके मकान मालिक के घर में एक दिन खेलता खेलता उनका छोटा बच्चा उनके मकान मालिक के घर में कुर्सी थी और कुर्सी के ऊपर जाके चढ़ के मकान मालिक के कुर्सी पर इनका बच्चा बैठ गया। इनके घर में कुछ भी नहीं था। मकान मालकिन ने देख लिया कि ये जो उनकी, और वो मकान मालिक ऊंची जाति के थे, और मकान मालकिन ने देख लिया कि बच्चा हमारी कुर्सी पर चढ़ के बैठ गया। और सोचो, ये आज से 50-60 साल पहले की बात है, तो बहुत ज्यादा जातिवाद उस जमाने में और भी बहुत ज्यादा था। तो उस महिला ने आकर के बच्चे को उठाया और जमीन से जोर से बच्चे को झटकार कर जमीन पे इस तरह यूं गुस्से से कर दिया। और वो पास्टर ने अपने अपने बच्चे को देख लिया कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। तो वो जो पास्टर थे उनको बहुत दुख हुआ कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, क्योंकि मेरा बच्चा कुर्सी को देखकर बहुत ज्यादा खेलने लगा और मेरे घर में कुर्सी नहीं है। तो पास्टर ने रात को प्रार्थना की और पास्टर ने कहा कि परमेश्वर से कहा कि प्रभु, मैं तेरा दास हूं, प्रभु मेरे बच्चों के पास बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है, प्रभु मुझ पर दया कर। और पास्टर ने अपना दुख व्यक्त किया, केवल अपना दुख व्यक्त किया परमेश्वर को। ये लगभग ये रात का समय था जब पास्टर ने प्रार्थना की और वो सो गए।
अगले दिन सुबह सुबह 8 बजे दरवाजे पे घंटी बजती है। और ये पास्टर जब आर्मी में काम करते थे तो इनका एक दोस्त था, इनका एक सहकर्मी था, एक कॉलीग था जो आर्मी में इनके साथ काम करता था। वो आदमी परमेश्वर को जानता भी नहीं था, लेकिन जब घंटी बजाई तो इन्होंने दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं कि सर पर कुर्सी रखकर इनका एक पुराना सहकर्मी, पुराना कॉलीग सर पर कुर्सी रखकर आया है और कहा ये कुर्सी आपके लिए है। ये बहुत अजीब सी बात है, इस पर विश्वास करना भी मुश्किल है, पर मैंने अपनी आंखों से वो कुर्सी देखी है। उसी कुर्सी पर बैठकर उस पास्टर ने ये कहानी मुझे बताई है, आंखों में आंसू थे जब कहानी बताई थी। वो जो व्यक्ति था जो कुर्सी लेकर के आया वो प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन हमारा परमेश्वर इस पास्टर के दिल के दुख को जानता था और इसके घर की आवश्यकता को, इसके घर की जरूरत को जानता था। और वो हैरान हो गए कि एक ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने प्रेरित किया कि मेरे दास को जाकर के तू कुर्सी दे के आएगा। और उसने कहा कि ये कुर्सी आपके लिए है, मुझे ऐसा लगा कि ये कुर्सी आपको मैं देना चाहता हूं, आप इस कुर्सी को रखिए। एक कुर्सी सर पे रख के इतनी दूर से वो कुर्सी देने के लिए आया। ये क्या है? परमेश्वर हमारे दिल की जरूरतों को, हमारे दिल के दुखों को जानता है, परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। लेकिन शैतान क्या करता है, हम हमारी रोटी कपड़ा मकान की जरूरतों में इतने पड़ जाते हैं कि परमेश्वर के राज्य के लिए, हम फलवंत होने के लिए, वो हम वचन को दबा देते हैं हमारे अंदर और अपनी अपने सारी उम्र, हमारी सारी जिंदगी केवल रोटी कपड़ा और मकान में चली जाती है और हम परमेश्वर के राज्य में फलवंत नहीं होते। आज कलीसिया, आपको सोचने की जरूरत है, हो सकता है इस तीसरे प्रकार के भी आप लोग हों, अपनी जरूरतों की, हर वक्त अपनी जरूरतों में लगे हुए लोग, हर वक्त अपनी जरूरतों को पूरा करने वाले, हर वक्त अपनी जरूरतों की चिंता करने वाले। लेकिन ना केवल अपनी जरूरतों की चिंता करने वाले लोग हैं, यहां पे प्रभु ने यह भी कहा कि ये वो लोग हैं जो धन का धोखा और अन्य वस्तुओं के लोभ में समाकर अपने अंदर वचन को दबा देते हैं। मतलब ना केवल अपने अपने अपनी नीड को, अपनी जरूरतों को, लेकिन ग्रीड को भी, लालच के भी पीछे पड़ जाते हैं। ये उस तीसरे प्रकार के ये वो लोग होते हैं जो अपने जीवन में बस बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, धनी होना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा उनके पास होना चाहिए। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें धनी बनाने के लिए, विश्वासी हमको नहीं बनाया, आपको विश्वास में इसलिए नहीं बनाया गया कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों, लेकिन प्रभु ने आपको विश्वास में इसलिए लेकर के आया ताकि वो आपके अंदर अपना आत्मा को डाले और आप परमेश्वर से इतना प्रेम करें कि आप अपनी गरीबी में भी परमेश्वर के राज्य के लिए और दूसरों के लिए आप पैसा दे सकें। प्रभु यीशु ने कहा कि लेने से ज्यादा देना धन्य है। लेकिन तीसरे प्रकार के लोग क्या हैं? केवल लेने की ओढ़ में लगे हैं, केवल उनके होड़ में लगे हैं, उनको ज्यादा चाहिए, उनको उनके घर में सब कुछ होना चाहिए। और पैसा कमाने के पीछे जो लोग पड़ जाते हैं वो परमेश्वर के राज्य में वो फलवंत नहीं हो सकते हैं, जो अपनी जरूरतों की बहुत चिंता करते हैं और जो पैसों के, पैसा कमाने का या अपने घर में बहुत सारी चीजें होने का जो लोभ लालच रखते हैं, वो लोग परमेश्वर के राज्य में फलवंत नहीं हो सकते हैं। और हम चिंता कर अपने अपने लिए कोई भी लाभ अपने आप को हम पहुंचा नहीं सकते और हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर योग्य है, हमारी हर जरूरत को पूरा करने के योग्य हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने लोगों को 400 साल गुलामी में, जब वो मिस्र देश में थे, परमेश्वर ने उनको, उनकी हर जरूरत को प्रभु ने पूरा किया। जब वो लोग मिस्र देश से निकले तो इसराइल जाते जाते जब उनको 40 साल लग गए तो 40 साल परमेश्वर ने उनको खिलाया पिलाया, 40 साल तक परमेश्वर ने उनकी हर जरूरत को पूरा किया। मेरे भाइयों बहनों, कलीसिया, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत को जानता है, लेकिन हम इन्हीं चीजों के अंदर पढ़कर, संसार की चीजों के पीछे पढ़कर, ये ऐसे लोग होते हैं जो प्रभु में हैं तो सही, चर्च तो आते हैं, वचन तो सुनते हैं, लेकिन इनका जीवन, इनका मन, इनका ध्यान, इनकी एनर्जी, इनका जोश संसार और संसार की चीजों की प्राप्ति में लगा हुआ है। और ऐसे लोग, इसमें लिखा कि वो कभी फल नहीं लेके आए। तीन प्रकार के लोग हमने देख लिए। पहला, मनमौजी, जो अपनी अपने अपने मन की मस्ती में, अपने मन अपने बस खोए हुए हैं, अपनी मनमर्जी में खोए हुए हैं। दूसरे प्रकार के लोग हमने देखे हैं
कि जो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं लेकिन जिनकी पकड़ विश्वास में इतनी मजबूत नहीं है, और मुसीबत आने पर या सताव आने पर जो लोग चले गए, और तीसरा हमने देखा कि अपने जीवन की चिंताओं में पड़े हुए लोग, अपने जीवन की जरूरतों की चिंताओं में पड़े हुए लोग और पैसा कमाने का लालच रखने वाले लोग, अमीर बनने का सपना रखने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में फलवंत नहीं हो सकते। लेकिन चौथे प्रकार के लोगों के बारे में आज का वचन हमें सिखाता है, उनको मैंने कहा है सीकर्स, आत्मिक प्यास से प्रभु की खोज करने वाले लोग, आत्मिक प्यास से परमेश्वर की खोज करने वाले लोग। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के बारे में ये कहा है, और ये वे लोग हैं जो बोई गई अच्छी भूमि के समान हैं, और वे वचन को सुनते और उसे ग्रहण करते हैं और 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लेकर के आते हैं। चौथे प्रकार के किस्म के लोग कौन से लोग हैं? आत्मिक प्यास के साथ प्रभु की खोज करने वाले लोग, ऐसे लोग जिनके दिल की भूमि वचन को ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार होती है, ऐसे लोग जो भूख और प्यास के साथ वचन को सुनते हैं। आज आप इसी समय अपने मन में जवाब दीजिए कलीसिया, इस समय ये मैं वचन बोल रहा हूं और आप वचन को सुन रहे हैं, लेकिन कितनी प्यास है आपके अंदर वचन को सुनने की, कितनी भूख है आपके अंदर परमेश्वर के राज्य के भेदों को जानने के लिए, कितनी भूख है आपके अंदर कलीसिया? ये इंपॉर्टेंट सवाल है जिनका आपको जवाब देना है। चौथे प्रकार के लोग वो हैं जो सचमुच, क्योंकि उन्होंने खोजा है, वो पाते हैं। प्रभु यीशु ने भी कहा कि तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे। इन लोगों ने लिखा कि वचन को स्वागत किया। देखिए, वचन का स्वागत कौन करेगा? वचन का स्वागत वही लोग करेंगे जो वचन की भूख और प्यास करते हैं, वचन का स्वागत वो करेंगे जो वचन का इंतजार करते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आजकल तो बहुत कलीसियाओं के अंदर देखा कि जैसे ही वचन शुरू होता है, मैंने अपनी कलीसिया के अंदर भी मैं देखता हूं, जैसे ही वचन शुरू होता है लोग खिसकने का बहाना ढूंढते हैं, बाहर जाने का बहाना, बहुत जगह पे ये होता है। लेकिन क्या आपके मन की कंडीशन, आपका दिल कैसा है? जब आपके चर्च में आपके पास्टर जब आपको वचन सिखाते हैं, क्या आप वचन को भूख और प्यास के साथ, क्या आप आदर मान के साथ बैठते हैं वचन सुनने के लिए? लेकिन ये लोग जो फलवंत हुए, जिनके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये लोग भूख और प्यास रखते थे, इसलिए वचन को इन्होंने बड़ी खुशी के साथ स्वागत किया, वचन को अपने अंदर जाने दिया, वचन उनके अंदर प्रोसेस हुआ, वचन ने उनके अंदर काम किया और उनकी सोच बदल गई, उनका जीवन का नजरिया बदल गया, उन लोगों का चरित्र बदल गया, उन लोगों का जीवन शैली बदल गई, उनका जीने का ढंग बदल गया, उनका जीने का मकसद बदल गया, वो संसार की चीजों से प्रेम करना छोड़कर परमेश्वर से प्रेम करने लगे और परमेश्वर ने उन्हें अपने राज्य में फलवंत किया, इस्तेमाल किया। आपका दिल कैसा है आज, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये चौथे प्रकार के वो लोग हैं जिनके जीवन में भी कठिनाई आई, मुश्किलें आई, चुनौतियां आई, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ा। ये चौथे प्रकार के वो लोग हैं जिनके जीवन में सताव आया लेकिन वो छोड़कर नहीं गए, लेकिन सताव के सामने भी, सताव के समय में भी प्रभु के लिए वो खड़े हो गए, चाहे उनको दुख उठाना पड़े। ये उस प्रकार के लोग हैं जिनके जीवन में जरूरतें, जब उनकी जरूरतों की उनको कमी हुई तो भी उन्होंने परमेश्वर पर शक नहीं किया, उन्होंने चिंता नहीं की और परमेश्वर पर भरोसा किया जो उनको खिलाने पिलाने और पालने वाला परमेश्वर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने फैसला किया, हम संसार की चीजों के पीछे नहीं भागेंगे। लेकिन ये कितनी बड़ी सच्चाई है ना, कि हम अपने जीवन में बस संसार की चीजों के पीछे हम भागना चाहते हैं। इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है, हम केवल संसार की चीजों के पीछे भागना चाहते हैं। जब मैं नौकरी करता था कंपनी के अंदर, तब मेरे पास 2-व्हीलर बाइक थी, बजाज डिस्कवर बाइक थी मेरे पास, और तब मेरे मन में होता था कि मुझे कार कब मिलेगी, कब मैं भी कार में अपने ऑफिस जाऊंगा। जब मेरे पास कार आ गई तो मेरी कार सेकंड हैंड कार थी, जब मेरे पास पुरानी कार थी तो 6 महीने तो बहुत खुश था मैं कि मेरे पास कार है अब, लेकिन मेरे मन में भी आता था कि मेरे पास नई कार होनी चाहिए, मेरे पास थोड़ी सी अच्छी बड़ी कार मेरे पास होनी चाहिए। और यह हर एक मनुष्य के आपके मन में भी आता होगा कि मनुष्य बहुत बार केवल चीजों को इकट्ठा करने में लगा रहता है, और इस प्रकार के लोग भी परमेश्वर के किसी काम नहीं आते।
लेकिन जो ये लोग हैं, जो चौथे किस्म के लोग हैं, इन्होंने इन्होंने मुश्किलों में प्रभु को नहीं छोड़ा, इन्होंने जरूरतों में प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु पे विश्वास किया, और इन्होंने जीवन के सताव में भी प्रभु को नहीं छोड़ा। इन्होंने अपने जीवन में फैसला किया कि हम संसार की चीजों का अनुसरण नहीं करेंगे, हम संसार की चीजों के पीछे नहीं भागेंगे। ये चौथे प्रकार के लोग हैं। चार प्रकार के लोग होते हैं, चार प्रकार के वचन के सुनने वाले होते हैं। पहला, जो अपनी अपनी धुन में सवार लोग, अपनी मौज मस्ती में लगे हुए लोग, जिनको फर्क नहीं पड़ता, सुनते तो हैं वचन लेकिन बदलते नहीं। दूसरा, ऐसे लोग जो बहुत उत्तेजना के साथ कलीसिया में आते हैं लेकिन गलत समझ के साथ और गलत उद्देश्यों के साथ और गलत अपेक्षाओं के साथ चर्च में आते हैं कि यीशु केवल हमें एक खुशहाल जीवन जीने के लिए, वो हमारा परमेश्वर है। जबकि यीशु हमें खुशहाल जीवन दे सकता है और देता है, लेकिन केवल खुशहाल जीवन देने के लिए वो नहीं बना मसीह। वो हमें उद्धार देने के लिए और हमें पवित्र बनाने के लिए वो मसीह है। तीसरे प्रकार के लोग हमने देखे हैं वो हैं जो अपनी चिंताओं में पड़कर अपना समय व्यतीत करने वाले, और दूसरा वो जो अमीर होने की इच्छा रखने वाले लोग, और चौथे आत्मिक प्यास के साथ परमेश्वर की खोज करने वाले लोग। चार प्रकार के लोग हैं। आप किस प्रकार के हैं? आपका दिल किस कैटेगरी में आता है? किस श्रेणी में आप अपने आप को रखेंगे? क्या आपका दिल परमेश्वर के वचनों के लिए भूखा है? क्या आप जब वचन को सुनते हैं भूख और प्यास के साथ आप वचन को ग्रहण करते हैं? आज इस दृष्टांत के द्वारा तीन बातों को बताकर मैं समाप्त करूंगा अंत में। वो ये है, पहला कि परमेश्वर की प्राथमिकता ये है कि वो हमें अपना वचन सिखाए। परमेश्वर की प्राथमिकता हमें अपना वचन सिखाने में है। यहां पर भी हम देखते हैं बीज बोने वाले ने हर जगह पे बीज बोया। प्रभु यीशु ने बाद में हमको बताया कि ये परमेश्वर है जो बीज बोता है। क्या हम क्यों कलीसिया में आते हैं? मरकुस के अंदर अगर आप इन वचनों को अगर आप नोट करेंगे, जिनको मैं अभी तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मरकुस उसका 1:21-28, मरकुस 2:2-13, मरकुस 3:23, मरकुस 4:1-2, मरकुस 6:6 और भी हैं। लेकिन अगर केवल आप इतने वचनों पर यदि आप गौर करेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि मरकुस के अंदर, मरकुस के सुसमाचार के अंदर आप देखते हैं यीशु मसीह जगह जगह फटाफट जा रहे हैं और बहुत सारे अद्भुत आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, बहुत सारे चमत्कार कर रहे हैं। लेकिन तकरीबन हर घटना में हम एक चीज को देखते हैं, फिर यीशु उन्हें शिक्षा देने लगा। ऐसे लिखा है, यीशु ने उनको शिक्षा दी, यीशु उनको सिखाने लगा, यीशु ने उनको शिक्षा दी। हर जगह पे यीशु मसीह लोगों को परमेश्वर के राज्य की शिक्षा देना चाहता है। चमत्कार होते हैं, दुष्ट आत्माएं जाती हैं, वो सब कुछ जब वो शिक्षा देता है उसके साथ साथ वो सब कुछ भी होता है। लेकिन कहीं पर भी यीशु मसीह ने चंगाई सभा को नहीं रखा कि जहां पर आओ केवल चंगाई पाने के, वचन से कोई ताल्लुक मत रखना, केवल चंगाई पाने के लिए आ जाओ। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन अफसोस आज हम देखते हैं हमारे देश में, जहां पर केवल चंगाई सभा रखी जाती है, जहां पर केवल चंगाई होगी वचन नहीं होगा, और ऐसी जगह पे यदि आप जाएंगे तो आपकी आत्मा की खुराक नहीं मिलेगी। केवल शारीरिक आशीष पाकर आप वापस आएंगे लेकिन मन आपका वैसे का वैसे ही भूखा प्यासा और खाली आप वापस आ जाएंगे। लेकिन परमेश्वर की प्राथमिक जो इच्छा है वो यही है कि वो हमें अपना वचन सिखाएं। क्या आप वचन सीखना चाहते हैं? जो सिद्ध कलीसिया है उसके अंदर हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 2:42 में लिखा है कि लोगों ने प्रेरितों की शिक्षा के लिए अपने आप को समर्पण किया। एक उत्तम कलीसिया, एक श्रेष्ठ कलीसिया, एक अच्छी कलीसिया, एक आदर्श कलीसिया के अंदर जो लोग होते हैं वो अपने पास्टर के द्वारा वचन सीखने के लिए बहुत ज्यादा लालसा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। क्या आप परमेश्वर का वचन सीखने के लिए गंभीर हैं? क्या आप बाइबल की प्योर, बाइबल की शुद्ध शिक्षा पाने के लिए क्या आप इंटरेस्टेड हैं, रुचि रखते हैं? और अगर हैं तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को बाइबल की शुद्ध खुराक खिलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? दूसरी बात जो हम सीखते हैं, परमेश्वर कलीसिया में प्रत्येक व्यक्ति को आत्मिक उन्नति का समान अवसर देता है। परमेश्वर प्रत्येक कलीसिया में लोगों को आत्मिक उन्नति के लिए
एक समान अवसर देता है, सबको वो चांस देता है, परमेश्वर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, सब परमेश्वर सबको बराबर अवसर देता है कि सबके सब उन्नति करें। पर कलीसिया क्या सब लोग उन्नति करते हैं? नहीं करते हैं, इसीलिए क्योंकि कलीसिया में चार प्रकार के लोग होते हैं। सब लोग आत्मिक उन्नति चाहते ही नहीं है, पर जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मौका सबको मिलता है। जो बीज बोने वाले ने यह सोचकर बीज नहीं बोया कि मैं यहां बोऊंगा बीज, यहां बोऊंगा, उसने तो बीज फेंका, हर जगह पे बीज फेंका। वो क्लासरूम में टीचर ने सबको, सारे बच्चों को शिक्षा दी, लेकिन कुछ ही बच्चे थे जो सीरियस थे। उसी प्रकार कलीसिया के अंदर भी ऐसा होता है कि पास्टर वचन सिखाता है, मेहनत करता है, सुनने वाले आधे गायब होते हैं। तीन प्रकार के लोगों पर असर नहीं पड़ता, एक प्रकार के लोगों पर, छोटे से झुंड पर असर पड़ता है। कलीसिया, आप कौन से झुंड के हिस्सा हैं? क्या आप चौथे झुंड के हिस्सा हैं? यह सवाल आपके लिए है। जो वचन बोला जाता है वो सबके लिए बोला जाता है, जो बाइबल है वो सब लोगों के लिए है, लेकिन कितने हैं जो बाइबल के अंदर जो घुसकर, बाइबल के अंदर डूबकर, जो बाइबल में से जो विश्वास के मोतियों को ढूंढ के लाते हैं, जो परमेश्वर के भेदों और परमेश्वर की जानकारी, परमेश्वर की शिक्षा को जो खोज खोज कर जो लाते हैं? बहुत कम है। आपकी गिनती किसमें होती है? परमेश्वर के वचन को जाने बिना हमारे जीवन में उन्नति नहीं हो सकती, और परमेश्वर इस उन्नति का अवसर हम सबको देता है। तीसरी बात बताकर मैं समाप्त करूंगा कि जो लोग परमेश्वर के राज्य को लेकर गंभीर हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत फलवंत करता है, उन्हें बहुत इस्तेमाल करता है। वो जो परमेश्वर के राज्य के लिए गंभीर हैं, वे बहुत फल लेके आएंगे, बहुत सा फल वो लोग लेकर के आएंगे। पर कलीसिया, सवाल इसी बात से उठता है, आप कितने गंभीर हैं? अगर आप उस चौथी श्रेणी में आते हैं, अगर आप उस चौथे झुंड में आते हैं, वो लोग जो परमेश्वर के वचन के लिए भूखे थे, वो लोग जिन्होंने परमेश्वर के वचन का स्वागत किया, अगर आप उस झुंड में हैं, अगर आपकी गिनती उसमें होती है, तो आप बहुत सा फल लेकर के आएंगे। लेकिन जो सवाल आपको पूछना है वो यही है, क्या आपकी गिनती होती है उन लोगों में? क्या आप सचमुच परमेश्वर के वचन के लिए भूख रखते हैं? इन लोगों ने परमेश्वर के वचन के लिए भूख और प्यास को रखा। जब तक हमारे निजी जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होती, तब तक हम सेवा के लिए तैयार नहीं हो सकते। दोबारा कहूंगा, जब तक हमारे निजी जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में कोई फल लेकर के नहीं आ सकते, हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ने मरकुस 1:17 में कहा, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मतलब पहली चीज जो प्रभु ने हमसे मांगी वो ये है, मेरे पीछे चलो, मेरा अनुसरण करो। और दूसरे स्तर पर आता है कि मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाले बनाऊंगा, मतलब मैं तुम्हें सेवा में इस्तेमाल करूंगा, मैं तुम्हें बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा। पर पहली आवश्यकता है हम उसके पीछे चलें। जब तक हम अपने आप को आत्मा की खुराक नहीं खिलाएंगे, हम परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। देयर इज नो आउटवर्ड प्रोड्यूस इन आवर मिनिस्ट्री विदाउट द इनवर्ड डिपॉजिट ऑफ गॉड्स वर्ड फर्स्ट। हम इसमें यह सीखते हैं कि हमारे जीवन से कोई भी सेवा निकल नहीं सकती जब तक हमारे अंदर वचन नहीं जाता। हमारे अंदर से कोई सेवा निकल नहीं सकती जब तक वचन हमारे अंदर नहीं जाता है। परमेश्वर हमें फलवंत करना चाहता है, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर हमें दूसरों के लिए आशीष बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर परमेश्वर, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर के लोगों की संगति के लिए हमारे अंदर भूख और प्यास का होना जरूरी है। तीन चीजें मैंने आपको आज इस वचन से सिखाई है। पहला, परमेश्वर की प्राथमिक इच्छा है कि वो हमें अपना वचन सिखाए। दूसरा, उन्नति करने के लिए प्रभु सबको मौका देता है, किसी के साथ पक्षपात और भेदभाव नहीं करता। और तीसरा, वे जो प्रभु के राज्य के लिए गंभीर हैं, वो परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़ा फल लेकर के आएंगे। मैं यही बोलकर समाप्त करूंगा कि आपके हृदय की कंडीशन क्या है, आपके दिल की कंडीशन क्या है। चार भूमियां हमने देखी, चार प्रकार के मनुष्य हमने देखे, चार प्रकार के दिल हमने देखे हैं। आप कौन सी श्रेणी में आते हैं? क्या आप आत्मिक प्यास से परमेश्वर की खोज करने वालों की में, क्या आपकी गिनती होती है?
क्या आप परमेश्वर के रहस्यों को क्या आप सीखना चाहते हैं? जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप कितनी भूख और प्यास के साथ, कितनी प्रार्थना के साथ, कितनी इच्छा के साथ, कितनी लालसा के साथ आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं? आप क्या कर रहे हैं परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाए, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या आप नियमित रूप से बाइबल को पढ़ रहे हैं? क्या आप मसीही सामग्री, अच्छी मसीही किताबों को क्या पढ़ रहे हैं? क्या आप अपने आत्मिक पिता के साथ क्या आप बैठते हैं? क्या आप अपने आत्मिक पिता के साथ आपका संबंध अच्छा है? क्या आप सचमुच किसी की मदद लेकर के मसीही जीवन में क्या आप आगे बढ़ रहे हैं? ये इन बातों का आपको आज जवाब देना है। चार प्रकार की भूमि मतलब चार प्रकार के लोग या चार प्रकार के दिल, अपने धुन में सवार और अपनी मौज मस्ती में खोए हुए लोग, या गलत समझ और गलत अपेक्षाओं के साथ प्रभु के पीछे आने वाले लोग जिनके अंदर उत्तेजना बहुत है लेकिन अंदर से खोखले हैं, या अपने जीवन की चिंताओं में बस रोटी कपड़ा मकान के पीछे खोए हुए लोग, या फिर जीवन जीवन में बहुत सारा धन कमाने वाले लोग, अमीर होने की इच्छा रखने वाले लोग, और चौथा आत्मिक प्यास के साथ परमेश्वर की खोज करने वाले लोग। आप कौन सी श्रेणी में आते हैं? मेरी कामना है, मेरी प्रार्थना है कि आप आत्मिक प्यास के साथ परमेश्वर की खोज करने वाले लोग होंगे, ताकि आपका हृदय जब प्रभु के वचन को सुने और पढ़े तो वह वचन आपके अंदर जाए और आपको बदल दे, और आप परमेश्वर के राज्य में बहुत सा फल लेकर के आए और आशीषित हों और दूसरों को आशीष दें। पवित्र आत्मा ये आपके जीवन में पूरा कर सकता है, करना चाहता है, हर संभव हर समय पवित्र आत्मा आपकी मदद इस चीज के लिए करना चाहता है। मेरी प्रार्थना है कि आप चौथी श्रेणी के लोग बनेंगे और परमेश्वर को महिमा पहुंचाएंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, मेरी आपसे प्रार्थना है इस समय ये वचन सुनने वाले सब लोग चौथी श्रेणी के लोग बनने पाए, जो आत्मिक प्यास के साथ आपकी खोज में लगे हैं और जो आपके वचन में आपसे मुलाकात करते हैं, जो आपके वचन से अपने अपने आप को आत्मा की खुराक खिलाते हैं। हे परमेश्वर, तू ऐसे प्रभु जो सुनने वाले जो लोग जो गंभीरता के साथ सुन रहे हैं, प्रभु तू उनकी जिंदगियों में अद्भुत कार्य कर, उन्हें नया कर, उन्हें चौथी श्रेणी के लोग बना और उनके जीवन को फलवंत बना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम जब इस गीत को गाते हैं, हम अपने दिल से ये कामना करें, ये प्रार्थना करें, बड़ी गहराई से और बड़े मन की सच्चाई से हम इस गीत को गाएं, मैं तुझे और जानना चाहता हूं। लॉर्ड, आई वॉन्ट टू नो यू मोर। मैं तुझे और जानना चाहता हूँ, मैं तुझे और जानना चाहता हूँ, मैं तेरे करीब रहना चाहता हूँ, मैं तेरे करीब रहना चाहता हूँ, मैं तुझे और जानना चाहता हूँ, मैं तुझे और जानना चाहता हूँ, तुझे जानना मेरी चाहत है, तेरे पीछे चलूँ ये बुलाहट है, तुझे जानना मेरी चाहत है, पीछे चलूँ बुलाहट है, ऐ रूहे पाक मदद कर मेरी, ऐ रूहे पाक मदद कर मेरी, मेरा पाप मेरी रुकावट है, मेरा पाप मेरी रुकावट, पवित्रता के रास्ते चाहता हूँ।
पवित्रता के रास्ते चाहता हूँ, मैं तेरे करीब रहना चाहता हूँ, मैं तेरे करीब रहना चाहता हूँ, मैं तुझे और जानना चाहता हूँ, मैं तुझे और जानना चाहता हूँ, मेरी जान तुझको पुकारे तू हाथ अपना बढ़ा ले, तुझको पुकारे तू हाथ अपना बढ़ा ले, तू तेज तेरा चमका दे, तू तेज तेरा चमका दे, अपने नूर में नहला दे, अपने नूर में नहला दे, मैं तेरा दर्शन देखना चाहता हूँ, मैं तेरा दर्शन देखना चाहता हूँ, मैं तेरे करीब रहना चाहता हूँ, मैं तेरे करीब रहना चाहता हूँ, मैं तुझे और जानना चाहता हूँ, मैं तुझे और जानना चाहता हूँ। अपना सर झुकाए रखें और हम प्रभु की आशीष प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमपिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।